दोस्तों 48 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। समय से पहले रिटायरमेंट की सरकारी लिस्ट अब हर महीने होगी जारी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर। क्या है ये पूरी खबर, ये जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में आप शेयर करें, जिससे वो भी सरकार के इस बड़े कदम के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशंस की तरफ से 3 जुलाई 2019 को जारी किया गया एक प्रेस नोटिफिकेशन है, और ये प्रेस नोटिफिकेशन सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को हर महीने अप्रेजल यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और सरकार अब सभी मंत्रालयों और विभागों से हर महीने ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगने जा रही है जिन्हें समय से पहले रिटायरमेंट दिलवाया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में कामकाज का माहौल सुधारने और लोगों से जुड़े सरकारी कामकाज समय पर निपटारा हो, इसके लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी को सख्ती से लागू करने की बड़ी पहल यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। और हाल ही में मोदी सरकार ने भ्रष्ट और नाकाम कर्मचारियों के सफाई का काम भी शुरू किया है, और इसी कड़ी में सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBDT से कुछ सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था पिछले कुछ समय में। और अब यहाँ पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी विभागों, बैंकों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सभी जो संस्थान हैं केंद्र सरकार के, उन सभी से भ्रष्ट और निकम्बे सरकारी कर्मचारियों की जो लिस्ट है वो हर महीने जारी करने के लिए कहा है। तो यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी जो ड्यूटीज हैं उनका आप ठीक से निर्वहन नहीं करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर महीने ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जाएगी जो कि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं, और उन्हें आने वाले कुछ समय में फंडामेंटल रूल्स 56J1 के तहत नौकरी से अनिवार्य रिटायरमेंट यहाँ पर दिलवाया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी बड़ी खबर। हालांकि ये व्यवस्था पहले से ही थी, लेकिन अभी तक इसका उपयोग बहुत कम किया गया, लेकिन इस बार केंद्र सरकार इस रूल का उपयोग बहुत ज़्यादा करेगी, और जो भी निकम्बे और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ से नौकरी से निकालेगी। तो हर महीने अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनेगी, और जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं उन्हें नौकरी से यहाँ पर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में आप शेयर करें, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें, और ऐसी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन